हेलो गाइज, वेलकम। कैसे हैं? बात करें बच्चे, लास्ट क्लास में हमने आपको टैक्स में क्वेश्चन नंबर 12 तक बता दिया था और काफी आपके समझ में भी आया होगा यार, अच्छे से आप अंडरस्टैंड किए होंगे इनकम फ्रॉम सैलरी में। आज के क्लास में मैं आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आगे कैरी करूंगा, 13, 14, 15, 16, 17 और 18 छह क्वेश्चन आज की क्लास में बताऊंगा। और टाइम को बिना वेस्ट किए हुए चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 13 की तरफ। देखिए आपके स्क्रीन पे यह रहा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 13। डॉक्टर एचसी मल्होत्रा की बुक को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो राइट डाउन कर लीजिए, अगर बुक है आपके पास में तो आप बुक से क्वेश्चन भी निकाल सकते हैं। चलिए यह क्वेश्चन राइट डाउन कीजिए, इसे सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। हाँ गाइस, यह देखिए बच्चे, यहाँ पे बात करें सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपका रिकॉग्नाइज्ड और अनरिकॉग्नाइज्ड दोनों दिया होता प्रोविडेंट फंड के बारे में, ठीक है। पहले समझिए, अगर आप पहले वाला वीडियो नहीं देखे, देखिए आई बटन पे मैं प्रोविडेंट फंड वाला वीडियो आप मतलब क्लिक लिख देता हूँ, ठीक है। आप आई बटन पे क्लिक करके प्रोविडेंट फंड वाला वीडियो देख लीजिए इस क्वेश्चन को समझने से पहले। अगर नहीं देखे हैं तो बात करें प्रोविडेंट फंड में सैलरी का क्या फॉर्मूला था, बेसिक पे प्लस डियरनेस पे प्लस कमीशन ऑन सेल, यह आपका प्रोविडेंट फंड था, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने सैलरी निकाला, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के लिए जरूरी है, बेसिक पे प्लस डियरनेस पे प्लस कमीशन ऑन सेल, ठीक है। तो यहाँ पे आपका निकल गया, कमीशन ऑन सेल तो नहीं दिया था तो सैलरी हम लोग का निकल गया 5,28,000, क्लियर। अब आपका एज पर रूल जो था, एज पर रूल क्या था कि 12% ऑफ सैलरी यह एग्जेम्प्ट होता है, प्रोविडेंट फंड 12% ऑफ सैलरी एग्जेम्प्ट होता है और इंटरेस्ट 9.5% एग्जेम्प्ट होता है। अब आप यहां देखिएगा आपके क्वेश्चन में क्या करता है कि 15% ट्रांसफर कर रहा था, 3% टैक्सेबल होगा ना, तो मैंने यहां पे सैलरी का 5,28,000 का 3% डाल दिया तो जो आया 15,840, क्लियर है बच्चे। अब देखिए इंटरेस्ट वाले में इंटरेस्ट बोला था कि 9.5 क्रेडिट कर रहा है और क्रेडिट कर रहा है 72,000 रुपए, ठीक है। तो सॉरी 12.5 सॉरी यहां 12% क्रेडिट कर रहा है, 12% क्रेडिट कर रहा है और आपका 72,000, तो 12% बराबर 72,000। हम जान रहे थे कि 9.5% तक एग्जेम्प्ट होता है तो 9.5% बराबर व्हाट निकाल लिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए तो 9.5% का वैल्यू आ गया 57,000। मतलब 72,000 जो इंटरेस्ट मिल रहा था प्रोविडेंट फंड पे उस पे 57,000 एग्जेम्प्ट था बच्चे, 72,000 में 57,000 एग्जेम्प्ट था तो टैक्सेबल आपका 15,000 हो जाएगा, टैक्सेबल कितना हो जाएगा 15,000, कोई डाउट नहीं, क्लियर है आपका, क्लियर। अब देखिए यहां पे मैंने पहले एक केस बनाया रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड वाला, उसमें टैक्सेबल सैलरी निकालना था तो बेसिक पे 4,80,000 था, डियरनेस पे 48,000 था, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड बच्चे जो टैक्सेबल आया, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड जो क्या आया टैक्सेबल आया, और सर टैक्सेबल 15,840 आया है, मैंने वो लिख दिया 15,840। इंटरेस्ट टैक्सेबल जो आया है कितना था आपका 15,000 का। अब बोलिए सर इंप्लॉयर का भी कंट्रीब्यूशन था वो क्यों नहीं लिखे, देखिए बच्चे जो इंप्लॉयर अपने कंट्रीब्यूशन से प्रोविडेंट फंड क्रिएट किया वह यहां नहीं मेंशन किया जाए, क्यों, क्योंकि वह उसका सेल्फ अपना इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। इंप्लॉयर के तरफ से जो बेनिफिट होगा वह बस यहां पर, और जो टैक्सेबल है यहां पे मेंशन किया जाएगा, क्लियर। तो यह हो गया यहां तक। तो सबसे पहले हमारा फिर स्टैंडर्ड डिडक्शन हम लोग माइनस किए, प्रोफेशनल टैक्स दिया था जो हम लोग माइनस किए, तो टैक्सेबल सैलरी फर्स्ट ए में निकल गया आपका 5,06,840 का, क्लियर। जब अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, मतलब ऐसी कंपनी जहां पर प्रोविडेंट फंड प्रोवाइड नहीं करता, अनरिकॉग्नाइज था वहां पे सिर्फ सैलरी और डीआरएनएस पे दोनों को ऐड किए और स्टैंडर्ड डिडक्शन और प्रोफेशनल टैक्स को माइनस किए तो 4,76,000 जो आया वो टैक्सेबल हो जाएगा। यह आपका क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया। चलिए 14 नंबर की तरफ चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। हाँ बच्चे, यह देखिए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 14, ध्यान से देखिए, गवर्नमेंट इंप्लॉय है, इंटरटेनमेंट अलाउंस कैलकुलेट करना है, रूल था 1/5, 5,000 याद आया, और इंपॉर्टेंट है समझ लीजिए काम देगा, लॉन्ग प्रैक्टिकल क्वेश्चन जब दे देगा ना एग्जाम में तो इंटरटेनमेंट अलाउंस वाला अक्सर पूछ देता है तो आपके लिए फायदेमंद होगा ना। चलिए इसे सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। हाँ बच्चे, यहाँ पे देखिएगा गवर्नमेंट इंप्लॉय थे, इनका इंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव हो रहा था तो एग्जेम्प्ट क्या होगा। सबसे पहले देखिए
इन तीनों में जो सबसे कम रहेगा वह एग्जेम्प्ट हो जाएगा। पहला क्या था आपका, देखिए यहां पे लिखा डिडक्शन फ्रॉम एंटरटेनमेंट अलाउंस विल बी द लिस्ट ऑफ फॉलोइंग, इन लिस्ट में आपका मतलब जो कम रहेगा इसमें 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी, तो यहां पे बेसिक सैलरी काटी सुन रहा बेसिक सैलरी, और यहां पे देखिए बेसिक सैलरी आपका 50,000 पर मंथ था, 12 मंथ का 6,00,000 रुपया हो गया, 12 मंथ का कितना हो गया बच्चे 6,00,000 हो गया, तो यहां पे 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी 1,20,000, 5,000 और एक्चुअल अमाउंट रिसीव जो 60,000 था यहां पे 5,000 पर मंथ, तो 12 मंथ का 60,000 होगा ना, क्लियर। रिसीव्ड विच एवर इज लोअर आर एग्जेम्प्ट, अब इन तीनों में बच्चे कौन कम दिख रहा है, सर जी हमारा 5,000 कम दिख रहा है, तो 5,000 एग्जेम्प्ट हो जाएगा अंडर सेक्शन 16(2) के अंतर्गत, क्लियर। बाकी आपका टैक्सेबल समझ रहे हैं, तो यहां पे जो भी इंटरटेनमेंट अलाउंस मिल रहा है ठीक है, इन तीनों में से जो कम रहेगा वह एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ज्यादा जो बाकी टैक्सेबल हो जाएगा, क्लियर। यहां तक नो डाउट, चलिए आगे बनाते हैं 15 नंबर में, ध्यान दीजिएगा। हाँ यार, यह देखिए आपके स्क्रीन पे यह रहा 15 नंबर क्वेश्चन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 15 इसी मल्होत्रा वाला, अच्छे से राइट डाउन कीजिए, चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा देख लिए कॉम्प्लिकेटेड, धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ रहा है, तो वैसे वैसे समझाते चलते, ध्यान दीजिएगा 15 नंबर। हाँ गाइस, यह देखिए बच्चे कि यहाँ पे 15 नंबर में एक था ठीक है, और एक फर्नीचर डीलर का काम कर रहे थे ठीक है, और वह दो अलग अलग कंपनी में काम कर रहे थे, एक में उनको हाउस रेंट वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस मिल रहा था, दूसरा में नहीं मिल रहा था ठीक है, तो सबसे पहले उनका ग्रॉस सैलरी हमें निकालना है। देखिए पहले कंपनी में उन्होंने 5 मंथ काम किया है, तो बेसिक पे उनका 12,000 पर मंथ उस कंपनी से मिल रहा था, और 5 मंथ का आपका 60,000 हो रहा था जो मैंने यहां पे लिखा, और दूसरे कंपनी में जब वो कंपनी 5 मंथ बाद जब सेकेंड कंपनी में आ गए, तो वहां पर उन्होंने 7 मंथ काम किया, और बेसिक पे वहां पे उनको 10,000 पर मंथ मिल रहा था, 10,000 × 7 = 70,000 हो गया। डियरनेस अलायंस का बात करें तो जिस कंपनी में उन्होंने काम करा था 5 मंथ का उनको 5,000 मिल रहा था, और दूसरे कंपनी में 7,000 मिल रहा था, सॉरी 4,900, 700 पर मंथ, 7 मंथ का 4,900, तो यहां पे टोटल उनका हो गया 1,39,900। अब बात करें पर क्यूजिट के लिए वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस का क्या फॉर्मूला था, बेसिक पे प्लस डियरनेस पे प्लस ऑल मोनेटरी बेनिफिट एक्सेप्ट डियरनेस अलाउंस, क्लियर। अब देखिए यहां पे आपका ये जो मिल रहा था ना डियरनेस अलाउंस, आपका यहां पे देखिए लिखा हुआ है क्या चीज, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, जब ऐसा लिखा हुआ हो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट जब लिखा हुआ रहेगा, मतलब होता है आपका डियरनेस पे हो जाता है, क्या होता है डियरनेस पे, इस बात का ध्यान रखिएगा, अंडर द टर्म ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट जब लिख देगा डियरनेस अलाउंस लिख करके, तो डियरनेस पे होता है ठीक है, तो यहां पे डियरनेस पे ही इसको मान सकते हैं हम लोग डीपी, क्लियर। तो यहां पे अब परक्यूजिट का वैल्यू निकालते हैं, 15% ऑफ सैलरी पहले वाला जहां कंपनी में काम करा था वहां से, तो 12,000 × 5 60,000 रुपया, और ये डियरनेस पे एक तरह से 5,000 रुपया, तो आपका 15% 9,750 आ गया। मैंने फर्नीचर का डेप्रिसिएशन यहां पे 5,000 लिख दिया और कंपनसेशन उसको 20,000 का मिल रहा था, 34,750 टोटल ग्रॉस सैलरी 1,74,650 टैक्सेबल सैलरी, अगर बोलता क्वेश्चन में तब 50,000 माइनस करते, लेकिन नहीं बोला तो मैं यहीं पे निकाल के छोड़ दिया हूं, क्लियर। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि सर ये फर्नीचर का 5,000 कैसे लिख दिए, समझिए बच्चे, कॉस्ट ऑफ फर्नीचर 2 साल पहले का 10,000 का कॉस्ट का था, 2 साल 10% डेप्रिसिएट किया होगा, तो 1,000 / 2,000 डेप्रिसिएट किया, तो वैल्यू ऑफ फर्नीचर कितना हो गया 8,000 का। अब जब लास्ट में जब फर्नीचर करेंट ड्यूरेशन में यह एक्स इंप्लॉय जो है यूज करके मतलब छोड़ दिया, तब 3,000 में बेचा गया, कितना बेचा गया 3,000 में, मतलब जितना दिन तक एक्स इंप्लॉय यूज किया होगा वैल्यू ऑफ फर्नीचर कितना डेप्रिसिएट कर गया 5,000 का, वह मैंने यहां पर डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर कितना लिख दिया 5,000, कोई दिक्कत नहीं, चलिए अच्छे से समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते, एक बात ध्यान रखिए बच्चे, लग रहा है ना कि सर पढ़ा रहे हैं, एक ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, आगे भी स्टूडेंट्स का हेल्प हो सकता है, हर एक चीज बता रहा हूं बच्चे अपने तरफ से, जहां तक हो सकता है वहां तक पॉसिबल आपको बताता हूं, काइंडली शेयर कीजिए, आपके शेयर से कॉन्फिडेंस बढ़ता है, मन को बहुत तसल्ली मिलता है, तो शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक चैनल को पहुंचाइए, हर एक फ्रेंड को बोलिए, जूनियर सीनियर के भाई सब्सक्राइब करो, बहुत ये अच्छा चैनल है, आपके हेल्प का चैनल है, साथ दीजिए, जरूरी है, चलिए आगे चलते हैं बच्चे। यह देखिए यार क्वेश्चन का लेवल बढ़ रहा है ना, अब थोड़ा बड़ा लग रहा है क्वेश्चन देखने में, सारा चीज निकालना है थोड़ा,
यह आपका 16 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है और एकदम स्लोली बताएंगे। पहले बना लूंगा फिर समझाऊंगा, तो यार अच्छे से आप राइट डाउन कर लीजिए क्वेश्चन को। 60 नंबर अच्छा है, थोड़ा धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा आपका, तो आपको भी ध्यान फोकस करते रहना पड़ेगा अच्छे से, एग्जाम है। चलिए देखिए इसको 16 नंबर बताते हैं, बनाते हैं इसको। हाँ गाइस, यह देखिए बच्चे 16 नंबर वाला में बेसिक पे आपका दिया हुआ था 12,000 पर मंथ, 12 मंथ का 1,44,000 हो गया। बोनस के बारे में बोला होता कि 6 मंथ सैलरी का बोनस पे होगा, तो 12,000 इंटू 6 72,000 मैंने लिख दिया। ट्रैवलिंग अलाउंस पर टूर जो होगा वो 300 पर मंथ मिल रहा था, जो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है यार, ये मतलब बताया था ट्रांसफरेबल ऐसा कुछ अगर मतलब रहेगा तो आपका एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10(2). इंटरटेनमेंट अलाउंस, देखिए यह सरकारी इंप्लॉय नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे इंटरटेनमेंट अलाउंस 500 पर मंथ और 12 मंथ का 6,000 पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। क्लियर। आगे कमीशन मिल रहा था, वो रहा था 4 मंथ ऑफ सैलरी, तो यहाँ पे 12,000 इंटू 4 48,000 रुपया हो जाएगा। वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस में 15 लाख के पॉपुलेशन तक का था, 15 लाख से ज्यादा रहता तो 15%, लेकिन 15 लाख तक में था कितना 10% ऑफ बेसिक पे, डियरनेस पे, ऑल मॉनेटरी बेनिफिट एक्सेप्ट डियरनेस अलाउंस, वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस का। तो यहाँ पे 1,44,000, 72,000, 48,000 और 6,000, यह सारा मॉनेटरी मिल रहा था, हमने ऐड कर दिया 10%, 27,000 हो रहा था। और फर्नीचर भी मिला था उसको 10,000 का, जिसका वैल्यू 10% था, तो 1,000 फर्नीचर का। टोटल वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस 28,000 निकला, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस 28,000। क्लियर। अब देखिए फ्री मील प्रोवाइड कर रहा था 60 रुपया पर डे 300 डेज तक, लेकिन 50 रुपया पर डे आपका एग्जेम्प्ट होता है, तो 50 × 300 15,000 हो जाएगा, टैक्सेबल 3,000 हो जाएगा। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में आरपीएफ में, पहले आरपीएफ बराबर बेसिक पे प्लस डीआरएनएस पे प्लस कमीशन ऑन सेल होता है, तो यहाँ पे सैलरी का, सैलरी में सिर्फ बेसिक पे दिख रहा है, डीआरएनएस पे भी नहीं था, कमीशन ऑन सेल नहीं था, जरूरत नहीं है डालने का। तो 1,44,000 का 12% 17,280 हो रहा था बच्चे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 24,000 प्रोवाइड कर रहा था, तो 24,000 में 17,280 जो एग्जेम्प्ट वैल्यू है वो माइनस कर दिए, तो टैक्सेबल 6720 आया, वह मैंने यहाँ पे लिख दिया 6720। सारा को सम किए तो 3,07,720 आ गया, 3,07,720। क्लियर। स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 माइनस कर दिए, टैक्सेबल से 2,57,720 निकल गया। यह आपका 16 नंबर कंप्लीट हो गया, अच्छे तरीके से राइट डाउन कर लीजिए। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, और आज का इस क्लास का आखिरी क्वेश्चन रखेंगे, यार वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है नहीं तो। 17 नंबर ध्यान दीजिएगा। हाँ बच्चे, यह देखिए 17 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे यह रहा, 17 नंबर क्वेश्चन अच्छे से राइट डाउन कर लीजिए इसको। 17 नंबर बताने जा रहे हैं आज का क्लास का लास्ट क्वेश्चन, 17 नंबर अच्छा भी है, इजी भी है, अब थोड़ा थोड़ा लेवल आपका बढ़ता जा रहा है क्वेश्चन का, जैसे एग्जाम में रहेगा। और एचसी मल्होत्रा आपका यार कॉमन बुक है, मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज में चल रहे हैं, तो शेयर भी कीजिए, शेयर करिए यार, प्लीज करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए वीडियोज को, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कॉन्फिडेंस बढ़ाइए थोड़ा, आपके शेयर से ही कॉन्फिडेंस बढ़ता है, मोटिवेट होते हैं और नए नए वीडियो लेकर के आते हैं, लगता है कि आप हमारे वीडियो को वॉच कर रहे हो। चलिए देखिए चलते हैं इसे सॉल्व करते हैं। हाँ बच्चे देखिए, मैंने यह सॉल्व करा, आपके क्वेश्चन में सैलरी दिया हुआ था बेसिक पे, जिसको बोल सकते हैं 4,80,000 रुपया, डीआरएनएस पे दिया हुआ था 48,000 रुपया, इंटरटेनमेंट अलाउंस 12,000 मिल रहा था, लेकिन एक स्टेटमेंट आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 5,000 कंपनी के मतलब कस्टमर के लिए खर्च कर दिया, 5,000 कंपनी के कस्टमर के लिए खर्च कर दिया, तो यहाँ पे आपका ऐसा नहीं, देखिए उनको इंटरटेनमेंट, इंप्लॉय को इंटरटेनमेंट मिला था, इंप्लॉयर ठीक है, इंप्लॉय को इंटरटेनमेंट अलाउंस मिला था, अब वह खर्चा कंपनी के कस्टमर पे कर दिए, तो ये उनकी गलती है, यहाँ पे एग्जेम्प्ट नहीं होगा, माफ नहीं होगा, वो 12,000 उनका पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। क्लियर। बात करें वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस, मैंने यहाँ पे निकाला बेसिक पे प्लस डीआरएनएस पे प्लस ऑल मॉनेटरी बेनिफिट एक्सेप्ट डीआरएनएस अलाउंस, तो ये आपका टोटल सैलरी निकल गया 5,40,000 का, और 15% उसका 81,000 होता है, वह 81,000 बच्चे मैंने यहाँ पे लिख दिया। कार मिल रहा था, और कार देखिए आपका 1800 पर मंथ इंटू 12 रूल के हिसाब से, लार्ज स्मॉल उठाना है याद कीजिए, 21,600, टोटल 6,42,600 आ गया, 6,46,600, और एग्जेम्प्ट हो जाएगा आपका 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन वाला होगा ना यार, एग्जेम्प्ट स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का,
और टैक्सेबल सैलरी 5,92,600। यहां तक कंप्लीट हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 17। बच्चे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर आप सैलरी बना रहे हो, अगर आपने प्रीवियस रूल को नहीं देखा, कॉन्सेप्ट को नहीं देखे हैं और सोच रहे हो कि डायरेक्ट वहां से क्वेश्चन कैरी कर लेंगे, समझ में आ जाएगा, तो ये गलती है आपकी। इस वीडियो के लिंक में, मतलब डिस्क्रिप्शन में, मैं सारा लिंक दे देता हूँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। स्टार्टिंग से 1, 2, 3, मतलब सैलरी का स्टार्टिंग से जितना भी वीडियो मैंने बनाया है, सारा मैं लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ। साथ साथ हमारा अपना आपका इंस्टा आईडी, फेसबुक आईडी का भी लिंक भी रहेगा, कॉन्टैक्ट का आपका रहेगा उसमें डिटेल, तो आप वहां से भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और सारा वीडियो देखिए, प्लेलिस्ट में जाइए, एक एक वीडियो को बहुत सिक्वेंस से छोड़ करके देखोगे तो समझ में नहीं आएगा, बाउंस करेगा। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, बाय, धन्यवाद।